क्या है ये, जस्ट मुझे 253 रुपीज में पड़ा था। हेलो ब्यूटीफुल, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं हूं गिनी और मैं आज आपके संग अपना अफोर्डेबल लहंगा हॉल करने वाली हूं, जिसमें आपको सिर्फ एक लहंगा 200 समथिंग का पड़ेगा, बाकी जितने हैं सब वो अंडर 500 रुपीज पड़ने वाले। ये काफी ब्यूटीफुल सा हॉल है, तो डेफिनेटली आप एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, अगर इनमें से कोई भी लहंगा आपको पसंद आता है तो उनका लिंक वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेक श्योर वहां जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जल्दी से हम अपना हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। गाइस, जो फर्स्ट लहंगा है काफी ब्यूटीफुल है, ब्लू कलर का है एंड इसमें ब्लू एंड पिंक कलर का है और काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा है। ये साटिन फैब्रिक में आपको मिलेगा और जस्ट 400 समथिंग का आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। इस तरीके की आपको इसमें ब्लू स्कर्ट मिलेगी और स्कर्ट के ऊपर काफी अच्छा बूटी का वर्क देके रखा गया है। ये जो एम्ब्रॉयडरी देके रखी गई मशीनरी है तो बिल्कुल भी आपकी निकलने वाली नहीं है। बॉटम साइड में इसके काफी ब्रॉड बॉर्डर देके रखा गया है, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है, काफी हैवी सा लुक दे रहा है आपका लहंगा। ओवरऑल लहंगा कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, ऊपर से आपको कुछ इस तरीके का काली टाइप का लहंगा मिलने वाला है और जिस लहंगे का फैब्रिक है वो सॉटन में देके रखा गया है और इसके और भी कलर अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो भी काफी ब्यूटीफुल एकदम ब्राइट वाले कलर है। सो गाइस, अगर इसके अंदर आप किनकिन स्कर्ट वगैरह पहनते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा लुक लगेगा। आन स्टिच आपको ब्लाउज देके रखा गया है, नेक के पास की आपको डिजाइन देके रखी गई है एंड कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से बूटी से वर्क देके रखे गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड आपको साइड में स्लीव्स के लिए डिजाइन देके रखी गई है, ओवरऑल ब्लाउज का भी काफी ब्यूटीफुल सा ये वर्क देके रखा गया है और इसके बैक साइड में आपको प्लेन फैब्रिक देके रखा गया है सेम कलर का। तरीके की इसमें पिंक चुन्नी देके रखी गई है और आपको चुन्नी के गोटा पट्टी का वर्क पूरा देके रखा गया है, कुछ पूरा वर्क मिलने वाला है। चुन्नी की लेंथ एंड ब्रेथ काफी ज्यादा अच्छी है। जो अब मैं आपके संग शेयर करने वाला हूँ ये मेरा मोस्ट फेवरेट रहा है, बिकॉज ऑफ ये 400 समथिंग का मिला और ये नेट में है और इसका ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिएगा, मैंने लाइट ग्रीन कलर का लहंगा मंगाया था, उसकी स्कर्ट आई थी, ये भी मैंने सेमी स्टिच मंगाई थी, तो आपको इस टाइप का ऊपर से देके रखा गया, आपको स्कर्ट देके रखी गई, नीचे एम्ब्रॉयडरी का वर्क देके रखा गया, लाइट पिंक एंड पिंक ग्रीन का आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी देके रखा गया, लीव टाइप का आपको देके रखा गया, बॉटम साइड पे आपको एकदम फ्रिल टाइप का लुक देके रखा गया है, काफी ब्यूटीफुल ये लग रहा था। अंदर आपको अच्छी क्वालिटी साटन का फैब्रिक देके रखा गया, उसमें भी आपको पाइपिंग करके देख रही है, जिससे आपका घेर काफी ज्यादा अच्छा है एंड ओवरऑल स्कर्ट का घेर काफी ज्यादा अच्छा है एंड इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है उसके कारण काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड ओवरऑल इसकी क्वालिटी सच में अच्छी है, इसके भी कलर काफी अवेलेबल है। उसमें ब्लाउज देके रखा गया, ब्लाउज की जो डिजाइन है काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, आपका फ्रंट में कुछ डिजाइन मिलने वाली है ब्लाउज के, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग नेक करा सकते हैं, इसमें नेक की कोई भी स्पेसिफिक डिजाइन नहीं देके रखी गई, तो आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं। स्लीव्स के लिए कुछ आपको इस डिजाइन देके रखा गया, तो उसके संग आपको साटिन का फैब्रिक भी देके रखा गया, इसके फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मेक श्योर अगर आपको सेम कलर का फैब्रिक मिल जाता है अंदर से तो आप वो यूज करेंगे। आपको इसमें दुपट्टा देके रखा गया, दुपट्टे की ओवरऑल क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, बिलीव मी गाइस। साइड में डिजाइन देके रखी गई है, काफी ज्यादा अच्छी डिजाइन आपको इसमें देके रखी गई, फिनिशिंग थोड़ी कम है, एम्ब्रॉयडरी का पूरा आपको यहाँ पे थ्रेड का वर्क देके रखा गया है दुपट्टे के साइड में, इस स्टाइल में छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर्स देके रखे गए पूरे दुपट्टे। अब जो मैं आपके संग लहंगा शेयर करने वाली हूँ ये ना सच में आपको 200 समथिंग में मिल जाएगा। सो गाइस, ये जो लहंगा है ये जस्ट मुझे 253 रुपीज में पड़ा था, सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा था जब ये मुझे मिला एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, मुझे एक्सपेक्टेशन था कुछ बेकार सा आएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ 200 समथिंग में क्या ही अच्छा दे देंगे, लेकिन सच में इन्होंने अकॉर्डिंग टू 253 बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वेलवेट में आपको स्कर्ट दे के रखी है, पूरा आपको ये आने वाला है, वेलवेट का फैब्रिक जो है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया है, नॉर्मल जब मैं इसको प्रेस करके पहनूंगी तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और इसके अंदर आपको कैन स्कर्ट वगैरह भी लगाने की नीड नहीं लग रही है, अगर आप चाहते हैं तो लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है ना, अलग से कोई भी बिलीव नहीं कर पाएगा ये आपको 253 रुपीज में लहंगा मिला है। एंड जो आपको ब्लाउज का फैब्रिक दिया है इसमें कोई भी इन्होंने एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं किया है, तो मेक श्योर थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी का वर्क होना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इन्होंने सेम फैब्रिक का दिया है, मतलब स्टिच करा के पहनेंगे तो भी अच्छा लगेगा और खुद से भी आप थोड़ी बहुत डिजाइन अगर देना चाहते हैं तो गोटा पट्टी का वर्क वगैरह ला के तो डेफिनेटली देंगे, तो काफी ब्यूटीफुल था, आपका ब्लाउज भी रेडी हो जाएगा। इसका दुपट्टा है बिल्कुल ही बकवास आया था, दुपट्टा कुछ इस टाइप का व्हाइट कलर का नॉर्मल दुपट्टा देके रखा गया है और दुपट्टे के साइड में आपको इस तरीके की गोटा पट्टी का वर्क देके रखा गया है। नॉर्मल आपके पास गोल्डन दुपट्टा है तो भी आप गोल्डन दुपट्टा या ब्लू गोल्डन का कॉम्बिनेशन है तो भी चला सकते हैं, मैं तो नॉर्मल अगर इसके ऊपर पिंक चलाना चाहूँ तो वो भी काफी ब्यूटीफुल लगेगा। इस तरीके के काफी दुपट्टे आपके घर में होंगे तो आप नॉर्मल मैच कर सकते हैं, लेकिन सच में ये काफी अफोर्डेबल रेंज में था। ये था आज का मेरा पूरा हॉल, आई होप आपको पसंद आया, अगर आपको ये पसंद आया तो डेफिनेटली मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। बाय।